वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल रोबस बाजार। आज हम बात करेंगे एक और स्टॉक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी नए व्यूअर्स मेरे चैनल पर विजिट करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें सारे वीडियोस को। लेटेस्ट में मैंने दो वीडियोस पोस्ट किए हैं, आप इनको जाके देख सकते हैं। इंडिया बुल्स, आदित्य बिरला कैपिटल, टेक महिंद्रा और MCX के कंबाइन मैंने इसमें एक वीडियो पोस्ट की है। दूसरी वीडियो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर, ये दोनों वीडियोज़ को जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए हम स्टॉक के बारे में बात करते हैं। किस स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। स्टॉक जो कि ट्रेड कर रहा है फिलहाल की डेट में 266 के आसपास, ऑलमोस्ट 13 पॉइंट आज गिरा है ये 4.73%। पिछले 5 दिन की अगर परफॉर्मेंस देखें तो ऑलमोस्ट 6% गिरा है। पिछले 1 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो 4% गिरा है। पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो 23% ऑलमोस्ट स्टॉक करेक्ट हो चुका है। ईयर टिल डेट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 26% और 1 ईयर के रिटर्न की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सारे नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, 38% करेक्ट हो चुका है। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी साउंड है। इस स्टॉक में अगर हम देखा जाए तो इसके अगर हम कुछ फंडामेंटल चेक करें तो स्टॉक में अबाउट लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 1998 में, फिलहाल के डेट में जो उनका बिजनेस है, एंगेज्ड इन करंट लाइन ऑफ बिजनेस सिंस इंसेप्शन। आर कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ पाइपलाइन लेइंग प्रोवाइडिंग कॉम्प्रीहेंसिव एरेक्शन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट है इनके पास, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन डालने का काम है इनका। बेसिकली इनका जो काम है वो है गैस पाइपलाइन बिछाने का काम है, और ये गैस पाइपलाइन बनाती भी हैं कंपनी, और इनके पास ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी सर्विस है, और काफ़ी अच्छी कंपनी है। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन की एसोसिएट फैसिलिटीज़ हैं इनके पास, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग CNG स्टेशंस भी हैं इनके पास, काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। अगर हम इनकी आगे की देखें, वी आर वन ऑफ द टॉप पाइपलाइन लेइंग कंपनीज इन इंडिया, हैविंग 20+ ईयर ऑफ वास्ट एक्सपीरियंस इन दी फील्ड विद डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन स्प्रेड अक्रॉस सेवरल जियोग्राफिक रीजन इन द स्टेट ऑफ, कहाँ कहाँ फैला हुआ है इनका बिजनेस, कर्नाटका, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो कंपनी काफ़ी साउंड है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, सर्टिफाइड है ISO से 9001:215 बाय इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है इनके पास, काफ़ी अच्छी कंपनी है। गैस पाइपलाइन में एकमात्र कंपनी है, और भी कंपनी है जैसे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और IGL जिसको हम बोलते हैं, वो भी इनकी कंपेटिटर है, PS कंपनी है, लेकिन फिलहाल की डेट में अगर देखा जाए तो उनका बिजनेस मॉडल, इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग है। इनके काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। इनके क्लाइंट्स के बारे में बात की जाए तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इनका चालू है फिलहाल की डेट में, और आप देख सकते हैं हरियाणा में इनका लोकेशन है, अभी वहाँ पर काम चालू है। और गेल इंडिया लिमिटेड, इनका भी काम चालू है झारखंड और वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में इनका काम चालू है, जो कि इनका क्लाइंट गेल इंडिया है, और गेल इंडिया ने काफ़ी काम दिया हुआ है। कर्नाटका में है, और यहाँ पे आप नीचे भी देख सकते हैं हरियाणा में भी काम चल रहा है, जो कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिया हुआ है, और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड भी इनका क्लाइंट है। इसके बाद आप देख सकते हैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में लगातार इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड दिख रहा है। इसके बाद इंडियन ऑयल अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड भी इनका क्लाइंट है, जिसका काम अभी केरला में चालू है अभी फिलहाल। अब इसके बाद और भी देख सकते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी इनका क्लाइंट है क्रॉस कंट्री ऑयल पाइपलाइन के लिए, आंध्र प्रदेश में इनका काम चालू है। AG&P टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड, ये भी इनका क्लाइंट है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जिसको आप IOCL के नाम से जानते हैं, ये भी इनका क्लाइंट है। तो काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि इनके क्लाइंट्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में काफ़ी सारी जितने भी गैस से संबंधित स्टॉक्स हैं या कंपनीज हैं, और भारत पेट्रोलियम है, IOCL है, गेल इंडिया है, काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, और अदानी गैस लिमिटेड भी है इनका क्लाइंट। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स होने की वजह से स्टॉक में क्या परफॉर्मेंस बन सकती है आगे, हम इसके चार्ट पे नज़र डालते हैं। ट्रेड कर रहा है फिलहाल के रेट में 267 के आसपास में, डाउन साइड जो एक मेजर सपोर्ट बनता है 257 का। इस स्टॉक में अगर 257 ब्रेक होता है तो और थोड़ी सी गिरावट आ सकती है स्टॉक में। हम इसमें और थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर लेते हैं तो हमें थोड़ा सा और उसके डाउनसाइड के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं।
स्टॉक में मुझे थोड़ा सा लगता है कि डाउनसाइड जो मेजर सपोर्ट बनता है वो 219 का आसपास का दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉक में हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें 257 का एक मेजर सपोर्ट फिलहाल की डेट में दिखाई दे रहा है। 257 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से थोड़ा स्टॉक नीचे जा सकता है, बिकॉज ड्यू टू मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट्स की वजह से हो सकता है। और अगर अपसाइड, अगर इसमें आपको कोई भी फ्रेश बाइंग बनानी है तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको वन आर का चार्ट लगा लेते हैं तो वन आर के चार्ट में थोड़ा सा और क्लियरिटी मिल जाएगी। स्टॉक में देख सकते हैं आप, काफ़ी बार एक रेजिस्टेंस इस लेवल पे लिया हुआ है 286 के आसपास, तो फ्रेश बाइंग बनाने के लिए आप इस स्टॉक में थोड़ा सा रोक सकते हैं। 286 का एक लेवल ब्रेक होने के बाद स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल की डेट में स्टॉक जो है 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक में एक 256 का एक मेजर सपोर्ट बन सकता है। मे बी इस स्टॉक में 256 के बाद एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है फॉर दी अपसाइड, तो स्टॉक में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। स्टॉक में अगर 257 का लेवल देखने मिलता है तो यहाँ से आपको कोई फ्रेश बाइंग बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिलहाल की डेट में आप एक सपोर्ट और मिल रहा है मुझे यहाँ पे 265 के आसपास का। 265 के आसपास ब्रेक होता है तो 256 के आसपास आपको देखने स्टॉक मिल सकता है, लेकिन इसमें आपको फ्रेश बाइंग, जैसे कि मैंने आपको बताया 286 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो स्टॉक में आपको एक फ्रेश बाइंग बनानी है। और जो निवेशक इस स्टॉक में ऐसा लग रहा है आपको कि फंसे हुए हैं, एक्चुअल में स्टॉक थोड़ा सा साउंड है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। 116 का, 120 का जो उसका IPO बैंड प्राइस था उसके ऊपर ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और 450 से ऑलमोस्ट ये करेक्ट होके यहाँ तक आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में अगर आप फ्रेश बाइंग करेंट लेवल से बनाना भी चाहते हैं तो बना सकते हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा स्टॉक को, तो आपको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है स्टॉक। थैंक यू सो मच।